एक्स्ट्रा टाइम। पता नहीं लोग ये क्यों कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह ने कमबैक किया है, ये केएल राहुल का कहना है। दो घंटे में डिलीवरी, विश यू अ स्पीडी रिकवरी। कोई भी दवा अब नहीं करो मिस, दवाई चाहिए एसएपी तो बस एक। अपोलो 24/7 डिलीवर करे आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ दो घंटों में। जसप्रीत बुमराह हमेशा प्रूवन परफॉर्मर रहे हैं और यही बात केएल राहुल को थोड़ी फ्लमक्स करती है जब जसप्रीत बुमराह ने 9 विकेट लिए अगेंस्ट इंग्लैंड इन द ड्रॉन ओपनिंग टेस्ट और उसको बुमराह का कमबैक कहा जा रहा है तब। हालांकि WTC के फाइनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड बुमराह बिलो पार थे और बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं थे। इंडिया में भी इंग्लैंड के अगेंस्ट जब बुमराह खेले वहाँ ट्रैक्स भी हेल्पफुल नहीं थे और उन दोनों टेस्ट मैचेस में भी वो इफेक्टिव नहीं पाए गए। जब राहुल से पूछा गया कि बुमराह का फॉर्म में आना कितनी बड़ी बात है टीम के लिए तो राहुल बड़े सरप्राइज हो गए और उन्होंने कहा कि पता नहीं आप क्यों कह रहे हैं कि बुमराह हैज मेड अ कमबैक। हर मैच में, हर गेम में, हर कंडीशन में उन्होंने खुद को प्रूव किया है और वो हमारे नंबर वन बॉलर है। जो वो कर रहे हैं उससे हम लोग बहुत खुश हैं। जब से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया तब से जब भी वो खेले वो मैच विनर रहे हमारे लिए और फिर से उन्होंने ऐसा किया, हमें इस बात की बहुत खुशी है। केएल राहुल ने भी अपने पेस यूनिट की बड़ी तारीफ की है। 20 विकेट गिराने में सफल हुए हमारे गेंदबाज, जो कि इस टेस्ट मैच की मेजर टेक अवे थी। जिस तरीके से शमी, बुमराह, शार्दुल, सिराज ने बॉलिंग की टैंडम में, उस वजह से टेस्ट मैच पे ग्रिप हमारा हमेशा ही रहा, ये राहुल ने कहा। पेस अटैक की ही वजह से हम WTC फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर पाए थे और जैसा डिस्कस किया गया, जैसा प्लान किया गया, वैसा उन लोगों ने डिलीवर किया। इट्स ग्रेट टू सी दैट। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.